गाइस आज फोर्थ डे और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज पता लग जाएगा कि IVF सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। मैं बता नहीं सकता, वो आप जो अंदर से निकल रहा है ना, जो वाइब्स आ रही हैं उसमें बहुत डिफरेंट होने वाली गाइस। अपार्ट फ्रॉम डेट स्वागत करता हूँ आपका आज के एक और एक्साइटेड वीडियो में। बट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि यार फ्रेश दो दिन हो गए, फ्रेश होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाए आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि सुबह सुबह वो डेली रूटीन बन नहीं पाता है, तो उसकी वजह से है ना शायद आप फ्रेश नहीं हो पाओ, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। गर्म पानी में मतलब थोड़ी सी कॉफ़ी, 1 रुपये वाला पाउच आता है, जो वो वाला आधा भी ले सकते हो या फिर फुल भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो थोड़ा थोड़ा गर्म करके ले लोगे ना, मतलब आधे ग्लास के अंदर, तो आपके फ्रेश में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से पेट साफ़ हो जाएगा और साथ में आपका जो स्टेमिना भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आप आधा घंटा पहले उसको ले करके आना। गाइस पता है कल क्या हुआ, मैं 5 बजे उठा और मेरी आँख खुली, मैंने अलार्म को बंद किया, मैंने कहा 2 मिनट और सो जाता हूँ और फिर उसके बाद मेरी आँखें नहीं खुली। और भाई साहब करेक्ट है ना, मैं इनके पास डेली फ़ोन करता था और भाई साहब ने 5:30 बजे फ़ोन करके बोल रहा है, लोग भैया हम आ चुके हैं, जल्दी आ जाओ आप मंदिर के पास। सीरियसली भाई तुम वहाँ भी गए? अच्छा MP में जो घर दिखाई देते हैं ना, सब एक जैसे दरवाजे, मतलब स्टार्ट से लेकर के एंड तक आपको सभी के दरवाजे सेम देखने को मिलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आदम के ज़माने की गुफा में घुस गए हैं। ये गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं सही बात, मतलब घर तो ऐसा बनाओ ना, कम से कम मेरा वाला घर ही देख लो, किराए पे रहता हूँ मैं, वो भी ऐसा ही फील होता है जैसे या तो किसी दुकान में घुस गया हूँ या फिर किसी गुफा में घुस गया हूँ। किसी का भी देख लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इस वीडियो में, बट भाई है ऐसा। 2 रुपये वाली कॉफ़ी लोगे ना तो थोड़ी सी महंगी पड़ रही है। 1 रुपये वाली कॉफ़ी, जैसे कि मान लो 30 दिन तक आप 1 रुपये वाली कॉफ़ी लेते हो और आधी आधी पीते हो, उसको पाउच की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको 15 रुपये के पड़ रहे हैं 30 दिन के। बट है ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, 2 रुपये वाली, 2 रुपये वाली लेते हो और दिन का भी आधा आधा पीते हो, तो भाई वो 30 दिन के 30 पैसे हो गए, 30 रुपये हो गए। चाय पी लो यार, महंगी पड़ रही, चाय नहीं पी भाई, चाय नहीं पी यार। डेली की तरह हमने वही जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले हमने थोड़ी सी वार्म अप वगैरह किया था। 10 मिनट का वार्म अप आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे हमने जॉगिंग की, हमने 2 किलोमीटर तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उसे तो हम कर देंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद हमने स्प्रिंट लगाए 100 मीटर के, 2 स्प्रिंट लगाए, 3 लगाने थे, हम धीरे धीरे 10 दिन तक हम उसको कम्प्लीट कर दे। नई नई एक्सरसाइज हम धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, एंड यहाँ पर ये जो मेंढक वॉक है, ये फ्रॉग वॉक है, जो भी आप इसको बोलना चाहो, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इससे हमारे बहुत तेज़ पैर दर्द हो गए थे, बट ठीक है हम धीरे धीरे करेंगे। ये है, ये रोल रखा होता है, यहाँ पर एक कॉलोनी बन रही है, तो कॉलोनी में रखा होता तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक्सरसाइज के तरीके से यूज़ किया जाए, तो हमने धीरे धीरे एक करके चलाया ताकि थोड़ा सा ज़्यादा पसीना आए, थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट हो और हमने बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाए हमको भी। तीनों ने एक एक बार करके चलाया, अब धीरे धीरे इसका भी रन अप टाइम बढ़ा देगा। डंड बैठक लगाई हमने और वहाँ पर हनुमान डंड लगाए, डिप्स लगाई एंड मेडिटेशन किया एंड अदर एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेचिंग के साथ में सारी के सारी कंप्लीट कर ली, जो भी हमें करनी थी डेली टाइप के हिसाब से। और धीरे धीरे गाइस देख रहे हैं एक बार पसीना निकलेगा या नहीं, पसीना तो काफ़ी ज़्यादा आ गया। ओ भाई नहीं निकला, अभी नहीं निकला, टाइम लगेगा, निकालेंगे ज़रूर। हमने तो एक्सरसाइज की, देखो इसने भी एक्सरसाइज कर ली। साले तेरे को कितनी बार बोला है, 1 पैसे एक्सरसाइज नहीं करते। सॉरी गाइस, वैसे उसको लगी हुई है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली इसने तो आज इसकी एक टांग नहीं टिक रही है बेटा, कल से कम करना। गाइस हमने ये ना पहले भी रिकॉर्ड की थी कल, लेकिन कल की वीडियो डिलीट हो गई जैसा कि हमने बताया था। और ये देखो हरी हरी घास हमने गार्डन ढूंढ लिया, जितना हो सके कच्चे मैदान में आप एक्सरसाइज करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमने ढूंढ लिया। हम कल से कच्चे में भी करेंगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज का अपडेट कर रहे हैं, हमारी आज की एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई है। और ये देखो घास के अंदर नंगे पैर थोड़ी देर चलोगे ना ऐसे, तो वो है ना आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हरी हरी घास के अंदर सुबह सुबह चलना, इसमें ओस की बूंदें होती है और आपकी आँखें को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है गाइज। और है ना कल से हमारा ना 4 दिन तिलक चाट बनाएगा और 4 दिन मनीष चाट बनाएगा, बनाओगे ना? और पानी पता मैं सही रहूँगा। वो देखो जो बोला जाता है ना कि कुएं के मेंढक मर के मत रहो, वो रहे गाइज, पानी सूख गया लेकिन मेंढक आज भी वही है। गाइज एक तो ना पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लगा था उसमें जो मेंढक चाल चली थी ना हमने, उसमें तो ऐसी हालत होगी भाई साहब, ये आपके साथ भी होएगा। आ हो रही है अभी भी इसको। एंड ये तिलक बोल रहा है कि ये कौन से पेड़ हैं, कौन सा पत्ता है। तो एक बार हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे राणा सर, तो उन्होंने क्या बोला था, हम गार्डन में बैठे थे, वो एक बार स्टडी करा रहे थे, तो हमने से हंसी मजाक के टाइम पर बैठे थे उस टाइम पर, तो ना वो बोले ये किस चीज़ का पेड़ है, ऐसा ही कोई पेड़ था, तो वो बोले किस चीज़ का पेड़ है, मैंने दूर से देख करके बोल दिया कि सर ये जामुन का पेड़ है। तो बोला अच्छा ठीक है।
मैं आराम से बैठ गए, सर ने हाँ कर दी। मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत बता दिया इसलिए सर को ऐसा बुरा लग रहा है। मैं उठा, पत्ता तोड़ा और खा करके बोला, नहीं सर जामुन का है, नहीं नहीं सर आम का है। बोला तू इधर आ जा बेटे। बोला क्या हो गया सर? बोला पहले ही ठीक था। तो मतलब खा करके मैंने गलत बता दिया था उस टाइम पे, नॉलेज नहीं थी मेरे को। गार्डन से ये देखो गाइस, उधर से ये जितने भी हैं ये हमारे तीनों के निशान है, सारे बैलों। कैसे चल रहे हो तुम? कल से अपन डिजाइन बनाएंगे, अपन फूल बनाएंगे, कल फूल बनाएंगे, घूम के ना। पैर दुख रहे ना, बैठा नहीं जा रहा। अब अपने गणपति को जगा देते हैं इन, साथ में लड्डू गोपाल को भी, और ये 1 2 3 गणपति बप्पा मोरिया। गाइस ये देखो हमारे गणपति जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, यहाँ हमारे लड्डू गोपाल। बट गाइस मेरी है ना माला का जो रुद्राक्ष है वो निकल गया था, इसलिए मैंने इसको नहीं पहना है अभी तक। अभी रुद्राक्ष को इसके अंदर डाल दूंगा, फिर इसको पहन लूँगा। उसके बाद हमने गणेश जी की पूजा कर दी, और यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी हमने वहाँ पर रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे गाइस, मैं बता नहीं सकता। उसके बाद हमने भगवत गीता अपना स्टार्ट कर दिया, और आज की शिक्षा ये मिलती है कि आपका कितना भी प्रिय हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी सगा संबंधी हो, अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो हमें उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। अगर कोई फिर भी नहीं मान रहा है तो उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वरना आपके साथ में थोड़ा सा बुरा कर सकता है और आपका भी बुरा हो सकता है उसके साथ में। गाइस हम रेडी हो गए, जा रहे हैं हॉस्पिटल। थोड़ा सा लेट हो गए, बट जाने से पहले एक बार भगवान गणेश को, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, भगवान सब अच्छा रखना। हाँ बॉय भाई नहीं बोल रहा मैं, सब अच्छा रखना। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, है ना। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। चलो भैया जी निकल तो चुके हैं, सच सच बताना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ फील कैसा? अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फीलिंग। गाइस ने टेस्टिंग तो कर ली थी, बट मतलब वो खुशी अलग ही होती है जब वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ यू आर पॉजिटिव, है ना। बाय द वे मैंने ना आज वन प्लस पैड गो की वीडियो बनाई है, लव के स्टोर चैनल पे वो देखने को मिल जाएगी, वो देख लेना। यहाँ पर हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा के डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं आपसे। पान वाली दुकान पे ना गोली लेने गए थे, इस कदर धोखा देगा ये जान नहीं पाया। कौन सी उल्टी वाली? कर दे बंद। यहाँ पर हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग थे, और काफ़ी सभी को थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि सभी का आज रिजल्ट आने वाला था, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें भी कुछ नहीं पता था। अभी दिया है पीटा एचसीजी का टेस्ट, अब जा कर के बता करते हैं क्या होगा। पंडित जी भी ट्राई कर लेते हैं एक बार क्या रहता है। ओके ये भैया ना हैदराबाद से हैं, और एक महीना हो गया इनको यहाँ पर आए हुए, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है। हाँ जाने के बाद ओपन कर लेंगे अपना, बट अभी है ना ये देख लो हैदराबाद से इंदौर आए हैं सिर्फ इलाज के लिए, और पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो गाइस थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप चल रहे हो गए खुदाना मंदिर चलोगे? जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। ओह माय गॉड फाइनली डीमार्ट आ गए भाई साहब, देखते हैं क्या क्या लेंगे। वो भी बेसन का है। मम्मी को बुला लो, मम्मी को। अरे आगे चल लेना, तो कैमरे में आने के बहुत शौक हो गया तेरे को। खुश करने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ गया, बहुत सारे सामान वामान दे रहे ताकि इसका थोड़ा सा ठीक हो सके मन। गाइस टाइम हो चुका है, अब सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, पता करते हैं रिपोर्ट क्या आई है। जब स्कूल का रिजल्ट आता है ना वैसी वाली फीलिंग आ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पास होंगे, पास तो हो जाएंगे, बस कम नंबर होते हैं, एक्सीलेंट ज़्यादा नंबर से होना चाहिए। एक्सीलेंट होना चाहिए, ज़्यादा नंबर से पास होने चाहिए, है ना। हाँ तो घबराहट तो नहीं है ना? हो रही है ना। घबराहट किस बात की है? कुछ रहो पॉजिटिव रहो, ऑल इज़ वेल। हमें पता है ना कि सब कुछ ठीक है, देखो सब कुछ ठीक ही है। नहीं वो ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अब तक तेरे को ही पता मुझे ही पता है सब कुछ ओके है, तो घबराना तो है ही नहीं। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं है, याद रखो इस बात को। जब हैदराबाद से लोग आकर के यहाँ पर इलाज करा सकते हैं, एक एक बिना रह सकते हैं, उनको भी नहीं पता क्या हो रहा, हम तो यहीं के हैं बेचारे, काम धंधा बंद करके बैठे हैं,
हमारे साथ कुछ लोग और आए थे, उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई गाइस। अब तो सच में इसको समझा भी रहा हूँ, पॉजिटिव रहना सिखा रहा हूँ, बट फिलहाल मुझे भी डर लग रहा है। तो पर पॉजिटिव रहना, किट ला के नहीं दी थी मेरे को, किट से मतलब नहीं, पॉजिटिव रहो, एवरीथिंग विल बी ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सीरियसली सक्सेस, रोना मत, रोना मत, रोना मत, रोना किस बात का, मैंने घर पे ही बोला था ना सब ठीक है। अब मैं डर गई, पता है क्यों डर गई, क्योंकि ना बाहर दूसरे पेशेंट थे ना, वो उनको नेगेटिव रिपोर्ट आई पर साइड में है ना, तो ये थोड़ी सी डर गई अभी कि क्या होगा क्या होगा। रोना किस बात का, नहीं रो रहे, सब तो ठीक है। तो मैं हेलो मत रो, ठीक है, आराम से बैठ जाओ, एक बार ऊपर जाके जो डाइटिशियन मैडम है उनसे मिल के आ जाओ, तो मैं दवाई सब लिख के दे दूँ। बहुत टाइम बाद भाई साहब, बहुत टाइम बाद, सीरियसली सी खुश है ना? हां ना, अरे वाह, चलिए कांग्रेट्स, पॉजिटिव है, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी रिपोर्ट है आपकी, बढ़िया, अब सब टेंशन खत्म। मैम टेंशन भी नहीं है, आप तो है ना, मेरे 2.5 महीने क्या, वो पहले के जो गिरे हैं ना मेरे 2.5 महीने के गिरे हैं। नहीं तो सबसे पहले तो देखो, जो हो गया सो हो गया, उसके सोचने नहीं बैठना है, नहीं कुछ नहीं होगा, जैसे अच्छा सोचोगी ना सब अच्छा होगा, क्यों बेचारा टेंशन कर रहा है। अब कोई पिछला नहीं सोचना, आगे का देखो, है ना, सोचना नहीं बेटा, ऐसा सोचते रहेंगे तो कैसे रहेगा फिर। पूरे हॉस्पिटल में आप बेस्ट हो, सीरियसली बता रहा हूँ मैम, ये जब भी आती है ना एक बार चलो मैडम के पास मिल लेते हैं, पगला गई एयरलाइंस फ्रेश में आकर के, तो ना जो सामान लेना है तो सिर्फ वो सामान ले ले, जो सामान लेना है ना सिर्फ वो सामान ले ले, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो सामान लेना था कुछ और लिए, कुछ और, ये दिमाग खराब हो गया यहाँ पर है ना, ये चक्रोनी पकड़ोनी ब्रोकली ब्रोकली क्या है ये, जल्दी निकल लेना थे यहाँ से, ये सारे विदेशी सामान लेने बैठ गई भाई साहब, देसी आदमी। ये देखो गाइस, इतना घूमना किसने बताया, जो थक जाओगे तुम्हें, जल्दी से आ जाओ, थकना मना है। गाइज मैं यहाँ पर वीडियो का एंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पहुँचते पहुँचते शायद से 9:30 भी बज जाए, जाते मेरे को गणेश जी की आरती भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है, हमने गणेश जी को बैठा रखा है, एंड बेसिकली आज बहुत खुशी का दिन है। तो किसी को भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, हम पूरी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में पूरी डिटेल्स के साथ में वीडियो बना देंगे, अगर किसी को चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। और कुछ और कुछ और कुछ नहीं ना, बोल दे बोल दे, मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे क्या, बोल देख लो मम्मी, बोल दे भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो? अब चलते हैं, अब चलते हैं, ठीक है भाई, टाटा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, पसंद आए तो। हाँ क्या बोल रहे हो, हेड टाउन चलो।